पाकिस्तान की कायराना करतूत, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में दो पुलिसकर्मी शहीद। टीटीपी ने तोड़ा संघर्ष विराम, खौफ में आए इमरान खान। चीन का मिशन, उइगरों का उत्पीड़न, दुश्मन देशों में करतूत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप नाइन चीन पाक साजिश। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में कल शाम आतंकियों के हमले में दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। गुलशन चौक पर तैनात पुलिसकर्मियों पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें दो गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। जम्मू कश्मीर में अमन चैन की वापसी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वो साजिश के नए तार बुन रहा है। बांदीपुरा में आतंकवादियों के हमले में सोपोर के रहने वाले सीनियर ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद सुल्तान और कुपवाड़ा के कांस्टेबल फैयाज अहमद शहीद हुए हैं। मोहम्मद सुल्तान एसएचओ के ड्राइवर और फैयाज अहमद पीएसओ थे। आतंकियों के हमले में एसएचओ बाल बाल बच गए। मोहम्मद सुल्तान का शव जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा और शहीद जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पाकिस्तान दूसरे देशों के खिलाफ आतंकी साजिश रचता है, लेकिन खुद अपना घर नहीं संभाल पा रहा है। पाकिस्तान में कोहराम मचाने वाले खूंखार आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का समझौता तोड़ दिया है। एक महीने पहले पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच संघर्ष विराम को लेकर सहमति बनी थी। टीटीपी ने इमरान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उसने एक बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान सरकार 6 सूत्रीय समझौतों का पालन करने में नाकाम रही है। इसी साल 25 अक्टूबर को अफगानी तालिबान ने टीटीपी और पाकिस्तान सरकार के बीच संघर्ष विराम के लिए समझौता कराया था। नए हालात में पाकिस्तान पर आतंकी हमले और ज्यादा तेज होने का अंदेशा जताया जा रहा है। पाकिस्तान लाख दुश्मनी करे, लेकिन भारत ने अपनी ओर से प्यार का ही इजहार किया है। केंद्र सरकार की दरिया दिली के चलते एक नवजात पाकिस्तानी बच्चे का 2 घंटे में ही सारे कागजात तैयार हो गए। वतन लौटने के इंतजार में अटारी बॉर्डर के पास रैन बसेरे में रह रही पाकिस्तानी हिंदू महिला ने उस बच्चे को जन्म दिया था। उइगर मुस्लिम समुदाय के नरसंहार में चीन सरकार का सीधा हाथ सामने आया है। लंदन स्थित नागरिक स्वतंत्रता के अधिकारियों के लिए बने उइगर ट्रिब्यूनल ने चीन को दोषी करार दिया है। ट्रिब्यूनल ने साफ कहा है कि शिनजियांग इलाके में उइगरों को खत्म करने के लिए उनकी आबादी बढ़ने से रोकने की साजिश के सबूत मिले हैं। नाराज उइगरों ने लंदन में चीनी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया है। अमेरिका ने उइगरों के अधिकारों के हनन के आरोप में चीन के कई नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी वित्त विभाग एक चीनी कंपनी के निवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बाइडेन सरकार ने चीन, म्यांमार, उत्तर कोरिया और बांग्लादेश के कुल 15 लोगों और 10 कंपनियों पर आर्थिक और यात्रा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। चीन ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। कहा, ताइवान की रक्षा के लिए अगर उसने सैनिक भेजे तो हमला कर देंगे। चीनी सरकार के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने यह धमकी जारी की है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने प्रण किया था कि वॉशिंगटन कभी भी ताइवान में चीन की घुसपैठ को होने नहीं देगा। चीन ने कल ताइवान के हवाई क्षेत्र में 13 विमान भेजे थे। इसमें 8 फाइटर जेट और 2 न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर विमान शामिल थे। ताइवान को डराने के लिए चीन अक्सर ही इस तरह की हरकत करता रहा है। इससे पहले चीन ने 28 नवंबर को 27 विमानों को ताइवान की ओर भेजा था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।